शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की जो आज हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए साल में ये दूसरी बार है कि टोल के वसूली के अंदर जो है एकदम जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। को याद होगा कि जनवरी माह के अंदर भी टोल के मूल्यों के टोल वसूली की दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई थी, और अब जो है अभी लोकसभा चुनावों के नतीजे भी नहीं आए हैं, अभी मात्र एग्जिट पोल ही टेलीकास्ट हुए हैं, मगर सरकार ने जनता के प्रति अपनी संवेदनहीनता को जाहिर करते हुए तमाम देश के अंदर टोल वसूली के अंदर 5% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसका हम पुरजोर जो है विरोध करते हैं, इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। देखिए इसके साथ साथ अमूल के मूल्यों, दूध जो आम हर घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, अमूल के मूल्यों के अंदर दूध दही इन तमाम उत्पादकों के अंदर भी 2 रुपये प्रति लीटर का जो है इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। देखिए इस समय पूरे देश की जनता जो है आर्थिक मंदी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, और सरकार पर उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार किसी तरह की राहत देगी, मगर सरकार जो है लगातार जनता का आर्थिक शोषण करने पर तुली है, लगातार जनता पर महंगाई का करों का दबाव जो है बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए टोल को लेकर हम बहुत ज़्यादा जो है विरोध करने के मूड के अंदर हैं, क्योंकि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और हम तो सरकार से मांग कर रहे थे कि इस यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है टोल से निःशुल्क किया जाए, टोल से मुक्त किया जाए, मगर वो मांग मानने की जगह सरकार जो है वो टोल वसूली की दरों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और सीधी हमारी मांग है इन टोल दरों के अंदर बढ़ोतरी का और महंगाई जो दूध उत्पादों के अंदर आपने बढ़ोतरी की है इनको तत्काल प्रभाव से जो है वो रोल बैक किया जाए।